Check out this one. Swig it, swig it. पहले दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले बनाए दोस्तों किसका सीए बनाए। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी पिक्सल लैब की। तो सबसे पहले हमें पिक्सल लैब में जाना पड़ेगा और इसको करेंगे ओपन। पिक्सल लैब ऐसे ही ओपन हो जाता है हमारा। इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से अपना थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और जाएंगे इमेज साइज पर। इमेज साइज जाने के बाद इसको हटा कर यहाँ से हम लोग करेंगे 720 और ओके कर देंगे। और इसको टेक्स्ट वाले को डिलीट कर देंगे और फिर अपने प्लस वाले क्लिक करेंगे और फ्रेम गैलरी पर जाएंगे। फिर अपना जो भी फ़ोटो लेना है वो फ़ोटो लेंगे। जैसे मुझको ये फ़ोटो लेना है, इसे फ़ोटो है जिससे आप लोग अपने फ़ोटो का बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इतना लेना हो उतना आप लोग यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम इतना लेना है, इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। ये सब हो जाने पर इसको हम लोग देंगे थोड़ा सा शैडो और इनर शैडो भी देंगे इसमें। देखिए दोस्तों ये हमने दे दिया इसमें। उसको थोड़ा सा शैडो टाइप बनाएंगे, इस पर आएंगे बगल वाले पर लेंगे इसको जब तक एक रखेंगे वन पॉइंट करेंगे उसको माइनस के पूरा रखेंगे। ऐसे 45 एंगल था इसको उठा के नीचे की तरफ हम लोग लगाएंगे, इस पर सेट कर देंगे। ये हो गया। और फिर हम लोग इसको सेट करने के बाद हम लोग उन्हें प्लस वाले क्लिक करेंगे और जाएंगे गैलरी में। और गैलरी से अपना ये स्टाइलिश वाई वाला PNG लेंगे। आप लोग PNG डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। सारा मटेरियल आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। इरेजर पे जाएंगे और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो माइक जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्टर इस पर आके ब्लैक वाले पर सही का टिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा PNG बन गया एकदम आसानी से। इस पर जाके स्टॉक दे देंगे ब्लैक कलर का। ये देखिए दोस्तों एकदम मस्त एकदम अच्छा लगने लगा। ये ऐसे आप लोग भी अपने से बना सकते हैं सेट कर एकदम अच्छे से। पिक्सल लैब का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हो गया। इसको हम लोग शैडो वगैरह देंगे। इनर शैडो था, इनर शैडो इसमें दिए हम लोग। देखिए जैसे कि इस प्रकार बन गया। और ये सब बन जाने के बाद इस पर जाएंगे ट्रांसपेरेंट करेंगे, CS वाले जाएंगे यहाँ से अल्ट्रा करके इसको PNG सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों PNG हमारा सेव हो रहा है। ये देखिए दोस्तों PNG सेव हो गया हम लोगों का ये। अब फिर इसको ठीक करेंगे डिलीट। इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे और फिर अपने प्लस वाले आइकन क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी में जाएंगे, अपना शायरी जो लेना है जैसे ये वाला शायरी मुझको लेना है तो ये वाला शायरी ले आएंगे। और फिर इसे उसी तरह इरेजर कलर पर जाएंगे, अनेबल्ड करेंगे और इस पर आके यहाँ सेलेक्टिव करके यहाँ पर सही वाले टिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों बन गया हम लोगों का PNG एकदम। इस पर आके स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे हम लोग और इस पर ब्लैक कलर का हम लोग स्ट्रोक दे दिए इस पर। देखिए दोस्तों ये हो जाने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने CS वाले पर क्लिक करना है, यहाँ से अल्ट्रा पे जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों PNG हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों सेव होगा। इसके हो जाने के बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एलाइट मोशन से, इससे हम लोग बनाएंगे अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा एलाइट मोशन में। एलाइट मोशन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो एलाइट मोशन हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों एलाइट मोशन ओपन हो गया।
और इस पर हम लोगों को प्लस वाले पे क्लिक करना है। इस पर प्लस वाले पे क्लिक करें, क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ आ जाने के बाद हम लोग इस पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो ले लेंगे जो फ़ोटो का बनाना है। देखते हैं दोस्तों, कुछ स्टेप मिस होगा तो आप लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे तो बाद में बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है वीडियो। देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार साइज को इसको बड़ी कर लेंगे, हाथ पकड़ के साइज को इनक्रीज कर लेंगे और फिर अपना प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। फिर मीडिया पर जाएंगे, अपना फ़ोटो वाली पीएनजी लेंगे, जो हमने फ़ोटो वाली पीएनजी बनाया था, फ़ोटो वाली पीएनजी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ले लिया हमने, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे नीचे की तरफ, ऐसे बीच में लाकर, जितना अच्छा लगेगा उतना। और फिर प्लस वाले पर जाएंगे, फिर अपने मीडिया पर जाएंगे, अपना जो शायरी था वो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने ले लिया। फिर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे, फिर अपने को सॉन्ग लेना है। सॉन्ग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। अगर नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ले लिया, इस पर क्लिक करेंगे, अपना थ्री डॉट वाले पर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, थ्री डॉट वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे और वीडियो वाले को क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और आ जाएंगे सॉन्ग के एंड में। यहाँ से आने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, आप लोग दिखाता हूँ, दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आके फिर इस पर जो दूसरा वाला नंबर है, जो घड़ी टाइप है, उसको दूसरे वाले नंबर पर क्लिक करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया यहाँ तक। ऐसे नीचे वाले आएंगे, उसके भी ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे इसको नीचे वाले वैसे ही क्लिक करेंगे। इस पर देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों को आ गया। फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोगों को बाइक जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है। मैंने न्यू स्टाइल इफेक्ट नाम से एक XML फाइल दे रखी है, उसको ओपन करिएगा। यहाँ जो पहले वाले पर क्लिक करिएगा, जो येलो रंग का है, इस पर आप लोगों को पहले नंबर पर क्लिक करिएगा। देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होता है। इस पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पे जाइएगा, ये दोस्तों थ्री डॉट बना है, थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा। देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करिएगा, कॉपी इफेक्ट करिएगा और सिंपल से आप लोग अपने बाइक चले जाना है और फिर अपने प्रोजेक्टर को खोलना है। पहले नंबर को सिलेक्ट करना है, जो अपना शायरी है और शायरी वाला था, इस पर क्लिक कर थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। और फिर सिंपल से आप लोगों को बैक जाना है, फिर अपना XML फाइल पे आना है, फिर जो रेड कलर का है दूसरा नंबर, उस पर आप क्लिक करिए और इफेक्ट पे जाइए। इफेक्ट जाना थ्री डॉट पे क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फिर आप लोग बैक जाइए, अपना प्रोजेक्ट पर जाइए, ये दूसरा नंबर वाला सिलेक्ट करिए, जो तो पीएनजी है फोटो वाला, उस पर क्लिक करिए, थ्री डॉट पर जाइए और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फिर सिंपल से आप लोग एक बार और बैक जाना है, अपने बैकग्राउंड जो इमेज है उस पर लगाने के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट पर चले जाएंगे। ये देखिए जैसे अपने प्रोजेक्ट पर आ गए और इस पर भी आकर इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारा इफेक्ट कुछ इस प्रकार लग कर तैयार हो गया है। अभी आप लोग दिखाते हैं कितना बेहतरीन बना है, आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, एकदम नए स्टाइल में आप लोगों ने बनाना सीख लिया है। अब आप लोग अपने फ़ोटो का स्टेटस एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। तो ये सब हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सेव हो रहा है, तो अभी हमारा वीडियो सेव हो जाएगा और उसके बाद गैलरी में जाके हम लोग अपना वीडियो देख सकते हैं।